हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हेल्दी डोज में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आई हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं मसाले कैसे स्टोर करती हूँ, कैसे मैं महीनों महीनों तक के मुझे मसाला रोज़ रोज़ पीसना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे मैंने ले ली हूँ 1 kg ग्रीन चिली। इसे मैं पहले अच्छे से इसकी डंठल तोड़ के इसे वॉश कर लूँगी। 2 पानी से मैंने इसे वॉश किया है। आप देख सकते हैं 1 kg है इसकी क्वांटिटी, अच्छी खासी है, पूरा 1 टब भर के मतलब ग्रीन चिली है ये। यहाँ पे मैंने इसे 2 पानी से वॉश कर ली हूँ अच्छे से। बस अभी इसे सुखाना नहीं है, डायरेक्ट मिक्सी जार में डालना है हमें। पूरा मैं मिक्सी जार को अच्छे से फुल भर लूँगी, क्योंकि ये पीसने के बाद वैसे भी और नीचे हो जाएगा, तो हम लोग फुल भर सकते हैं इसको। इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड करूँगी और विनेगर। विनेगर तो हर एक घर में रहता ही है, तो हम लोग विनेगर ऐड करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे मिर्ची पेस्ट रेडी हो चुका है। मैं इसे सेट करूँगी ट्रे में। यहाँ पे मेरे पास कुछ ट्रे थी, जो कि मेरी एक ट्रे भी थी, एक ट्रे तो यूज़ में ही नहीं आती और वो टूट भी गई थी, तो मैं उसमें मसाले सेट कर लेती हूँ। और भी मेरे पास 4-5 ट्रे थी, तो आप भी अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है तो आप जुगाड़ कर सकते हैं घर ही घर में। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ग्रीन चिली को अच्छे से सेट कर ली हूँ, बट एक ट्रे में तो नहीं आएगी 1 किलो तो, बट ऑब्वियस मैंने और भी अलग अलग ट्रेज ली हूँ। यहाँ पे एक सेट की उसे अच्छे से टैप कर करके आपको वो करना है। देख लीजिए इसका कलर, ये 2 महीना पहले का मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज होता और ये हमेशा के लिए फ्रेश रहती है। यहाँ पे और थोड़ा सा बचा हुआ था मिक्सी जार में, तो मैंने दूसरी ट्रे में डाल दी। अब मैं यहाँ पे पील्ड गार्लिक ले रही हूँ, जो कि छिले हुए लहसुन है। अगर आप चाहे तो छिलके वाले भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिर डबल मेहनत हो जाती है कि उसे छीलना भी पड़ता है। तो मैं यही एडवाइज़ करूँगी, अगर आप लोग छिलके वाले लहसुन ले रहे हो तो बारीक छिलके वाले लहसुन लीजिए, ताकि अगर आप उसको नहीं भी छीले तो वो मिक्सी जार में ईज़िली पीस जाता है। यहाँ पर मैंने छिले हुए लहसुन को अच्छे से 2 पानी से वॉश कर ली हूँ। यहाँ पे 2 पानी से ये वॉश हो चुका है। अब मैं इसको मिक्सी जार में डाल दूँगी। फुल भर के डाल सकते हैं आप मिक्सी जार में, क्योंकि ये जब पीस जाता है तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो मैंने इसमें और ज़्यादा ऐड कर दी हूँ। जब क्वांटिटी नीचे चली जाती है इसकी, थोड़ा कम हो जाता है मिक्सर, फिर से मैं इसमें और थोड़े से गार्लिक्स डाल के पूरा फुल लेवल इसे पीस देती हूँ। यहाँ पर भी मैं सॉल्ट ऐड करूँगी और सिरका, विनेगर। विनेगर और सॉल्ट इसलिए ऐड किया जाता है, सबसे पहली बात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, क्योंकि वो अपने खाने में डेली सिरके का इस्तेमाल करते थे। अब अगर हम लोग मसाले में डालेंगे तो हमारा ये फ़ायदा है कि मसाले इससे जो है एकदम टाइट बर्फ़ नहीं बनता है। हमें जितनी क्वांटिटी चाहिए हम उतना छुरी से काट के यूज़ कर सकते हैं। तो नमक और सॉल्ट जब हम लोग विनेगर डालते हैं तो उसका यही फ़ायदा है कि मसाले ईज़िली छुरी से कट जाते हैं, फ्रीज़र में रहने के बावजूद भी, और एक तरीके की सुन्नत भी अदा हो जाती है। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ट्रे में उसे सेट कर ली हूँ। थोड़ा सा बचा हुआ मसाला था तो मैंने यहाँ पे साइड में ग्रीन चिल्ली को डाल दी हूँ गार्लिक ट्रे में। अब जो बची हुई हरी मिर्ची और थोड़े से गार्लिक है, मेरे को चॉप करके मैं इसे रख दूँगी, क्योंकि हमें यूज़ में आता ही है चॉप किया हुआ, अभी डेली कट करना नहीं पड़ेगा। तो मैं इसे अच्छे से देख लीजिए एकदम बारीक चॉप कर ली हूँ। अब मैं इसे अलग से एक कंटेनर में रख दूँगी। तकरीबन 1.25 किलो से ज़्यादा क्वांटिटी थी ये, जो मैंने मिर्ची को और चॉप कर ली हूँ अच्छे से बारीक। सेम बचे हुए लहसुन को भी मैं चॉप कर लूँगी। देख सकते हैं आप कितना बारीक चॉप हुआ है। मुझे रोज़ रोज़ मतलब यूज़ में काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काम मेरा मैं बहुत इजी करके रखती हूँ, इसीलिए मेरी कुकिंग 1 घंटे के अंदर हो जाती है, बहुत इजी। अब जिंजर की ट्रिक ये है कि मेरे को जिंजर को छीलना नहीं है, मतलब उसे पील नहीं करना है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती पील करने की। बस आप उसे हाथ से ऐसे ही तोड़ लीजिए। देख सकते हैं मैंने उसे कैसे तोड़ी हूँ। उसके बाद आपको खाली इसको अच्छे से वॉश करना है, ताकि इसमें जितना भी डस्ट और जितनी भी वो मट्टी लगी हुई रहती है वो पूरी क्लीन हो जाए। बस ऐसे टब में एक पानी भर के आप अच्छे से उसे क्लीन कीजिए, उसे छीलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जिंजर को।
कई लोग फ्रीज़र में बहुत सारी चीज़ें फ्रोज करके रखते हैं, तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप बासी बासी खाना वो खाया नहीं जाएगा, वो देख के नियत भर जाती है। तो आप अपना काम इस तरीके से ईजी करके रख सकते हैं ताकि स्पाइसेस है, वेजिटेबल्स वगैरह है, ये सब आप कटिंग और चॉपिंग करके रख सकते हैं फ्रीज़र में। देख लो, मैंने खाली इसे प्रोसेसर में घुमा ली। अब मैं इसे मिक्सी की जार में भर के इसमें सॉल्ट और विनेगर ऐड करूँगी और बस इसे भी अच्छा पेस्ट बना लूँगी। अगर आपके पास प्रोसेसर नहीं है तो आप जिंजर को वॉश करने के बाद हाथ से अच्छे से कट कर लीजिए, उसके बाद पीसिए। एकदम भर के मैंने इसे पीस लिया। अब इसे मैं एक ट्रे में सेट कर लूँगी और इसे मैं पूरा फुल ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में छोड़ दूँगी। फ्रीज़र बिल्कुल भी खोलना नहीं है ताकि उसकी कूलिंग पूरी अच्छे से वो कोल्ड हो जावे, बर्फ़ बन जाए पूरा। और देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी वेजिटेबल्स के वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ जो कि पहले से फ्रोज है और ये एकदम अभी भी फ्रेश दिख रही है। मैंने तकरीबन 8 दिन पहले मैंने इसे फ्रीज़ करके रखा है और ये मेरी पिछली बार की जो बची हुई थी, तो वो उसे भी मैं सेम डब्बे में मिक्स कर रही हूँ ताकि मेरा काम इजी हो जाए, रमज़ान में मुझे ज़्यादा कटिंग शटिंग ना करना पड़े। मैं हरी चटनी की रेसिपी भी अपने चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ जो कि बार बार मुझे डेली रमज़ान में तो लगती है चटनी, तो मुझे रोज़ रोज़ ना पीसना पड़े, मैं वो उसकी भी मतलब टिप्स और ट्रिक्स डालने वाली हूँ अपने चैनल पर। यहाँ पर बचा हुआ मैंने जिंजर जो चॉप था वो भी मैंने इसे एक डब्बे में बंद करके रख दिया है। गाइज, अगर आप लोगों को मेरी ट्रिक अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय वीडियोस। यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने दूसरे दिन वीडियो शूट की थी जो कि आराम से पूरा सेट होके निकल रहा है। देख लीजिए कितना खूबसूरत लगता है ये, और चिल्ली एकदम फ्रेश के फ्रेश ही है। बिल्कुल भी इसका कलर महीना रखो आप, चाहे 4 महीना रखो चाहे 6 महीना, बिल्कुल भी इसका कलर चेंज ही नहीं होता है। देख सकते आप कितनी आसानी से ये हाथ से ही ऐसी तूड़ी आती है, मेल्ट नहीं होती है, बट ये है कि हम लोगों को जितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है हम लोग इजीली उसको छुरी से कट करके यूज़ कर सकते हैं। इतना टाइट बर्फ़ नहीं जमता है। विनेगर और सिरका डालने का यही फ़ायदा है उसमें, विनेगर और सॉल्ट। अंडे की ट्रे में मैंने डाली थी तो ये एकदम अंडे के शेप में आ गए, ये ड्रॉप्स की शेप में आ गए। देख लीजिए कितने ईजीली निकल जाते ये लोग। गाइज, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। बाय गाइज, मैं आपके साथ रमज़ान की वीडियोस भी शेयर करूँगी। जब तक के लिए बाय।